हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल शिरोई। हमने जो इससे पहले की क्लास थी उसके अंदर आवृतबीजी पादपों के अंदर निषेचन दोहरा निषेचन है इसको देखा था। देखिए, एक बार इसको हमने ये कहा था कि जैसे ये पार्ट था और ये जो पार्ट है इसमें ये पार्ट था भ्रूण कोष, इस भ्रूण कोष के अंदर एक कोशिका ये थी अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, इसके बाद में एक इधर थी ध्रुवीय कोशिका और इसके बाद इधर थी प्रतिमुखी कोशिका। अब हमने ये बताया था कि ये जो पार्ट है इन पार्टों के अंदर ये कोशिकाएं हैं, इनमें से जो प्राग नली आती है कि इन कोशिकाओं से इस तरीके, ये जो पार्ट है प्राग नली, इस प्राग नली से दो नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। ये पार्ट थे दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक इस कोशिका से संयोजित होता है और इससे बन जाता है एक 2N स्टेज का युग्मनज, जाइगोट बन जाता है और इससे बन जाता है भ्रूण, एम्ब्रियो बन जाता है। इसके बाद ये जो सेकंड जो नर युग्मक था इस ध्रुवीय कोशिका से संयोजित होता है जिसके अंदर एन और एन दो केंद्र और एक ये, यानी इससे संरचना बन जाती है 3N और इससे बन जाता है भ्रूण पोष। ये पार्ट, तो ये पार्ट डेवलप होता है इससे, ये पार्ट डेवलप होता है इससे। इसके बाद में बाकी ये कोशिका है इसका कोई यूज नहीं है, इस कोशिका का यूज नहीं है, इनका कोई यूज नहीं होता। तो अब जो अपना पार्ट बचा वो केवल इन दो कोशिकाओं से चलेगा। अभी एक पार्ट तो ये रहेगा भ्रूण कोष मातृ कोशिका, सेकंड पार्ट ये रहेगा युग्मनज या जाइगोट। तो ये जो स्थिति है इसमें से दोनों पार्ट है, इनमें से देखिए भ्रूण कोष का डेवलपमेंट कैसे होगा और भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। यदि हम देखते हैं निषेचन की बात करें तो पहले ये नर युग्मक संयोजित होता है, यानी पहले ये बनता है, लेकिन विकास पहले इसका होता है, एक संयोजन के समय पहले इसका संयोजन हो जाता है, उसके बाद इसका आगे विकास रुक जाता है, इसका संयोजन होता है लेकिन इससे तुरंत विकास होकर के इसका निर्माण होता है, ये बन जाता है उसके बाद इसका विकास होता है। तो फर्स्ट जो विकास या डेवलपमेंट होगा वो भ्रूण पोष का होगा। हम देखते हैं भ्रूण पोष जो है वो किस प्रकार से डेवलप है, मेन रूप से है इसके टाइप। तो अब देखिए यहां पर कि जो ये टॉपिक हुआ भ्रूण पोष, ये आवृतबीजी पादपों की हम बात करें तो आवृतबीजी में हमने ये कहा एक 3N यानी एक ध्रुवीय कोशिका, एक नर युग्मक, एक 3N कोशिका है और इससे इसका विकास होता है। तो आवृतबीजी पादपों का जो भ्रूण हुआ वो क्या, भ्रूण पोष हुआ वो कैसा हुआ, 3N त्रिगुणित हुआ। इसके बाद अनावृतबीजी पादप होते हैं उनमें होता है निषेचन से पहले और वो स्टेज होती है N, निषेचन से पहले होगा ये किसमें है अनावृतबीजी,
कारण निषेचन से पहले इसीलिए ये क्या रहेगा एन। एक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। एक तो ये पूछा जाता है कि आवर्त बीजी पादपों का भ्रूण पोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, 3n होता है। यदि हम बात करें अनावृत बीजी पादपों की यदि बात करें यानी जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, निषेचन होते ही 3n हो जाता है, निषेचन से पहले होता है, वहां पर कोशिका होती है n उस समय। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो भ्रूण कोष होता है वह अगुणित होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आवर्त बीजी भ्रूण पोष n और आवर्त बीजी है वो 3 है, अनावृत बीजी n और आवर्त बीजी 3 है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना जो टॉपिक है वो है आवर्त बीजी का। तो आवर्त बीजी में जो 3n बन रहा है तो ये किस प्रकार से बनता है, इसमें कोशिकाएं कैसे रहती हैं, इसी आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट में देखिए ये एक कोशिका थी जो फर्स्ट में, यानी ये कोशिका हम बात करें जैसे एन एन और ये हुआ नर युग्मक, नर युग्मक और ये हो गई ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका जब इनका संयोजन हुआ तो इसके बाद जो कोशिका है वह कोशिका बन जाती है एक 3n और इस कोशिका को कहते हैं भ्रूण पोष। मातृ कोशिका इससे जब डेवलपमेंट होगा तो देखिए कि ये जो पार्ट होता है यदि इस पार्ट की बात करें तो हमने यहां पर एक स्थिति इस तरीके से दिखाई थी कि ये कोशिका है ये हो जाती है 3n। तो यहां पर दूसरा जो पार्ट रहता है वो पार्ट है 2n, ये पार्ट रहता है और इस जगह पर रहता है यदि देखें बीजांड द्वार, ये पार्ट ये बना हुआ है। अब देखिए इसको हम उल्टा कर दें कि बीजांड द्वार है इसको यदि हम ऊपर की ओर करते हैं तो इसी समय स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, ये इस तरीके से। ये हो जाता है बीजांड द्वार। और ये हो जाएगी 2n और ये हो जाएगी 3n। तो किसी भी दिशा में हमें कहीं निभाग की ओर होती है 3n और बीजांड द्वार की ओर है 2n कोशिका युग्मनज, यानी ये कोशिका है युग्मनज और ये है भ्रूण पोष मातृ कोशिका जो हमने यहां पर इसको अलग किया है, यानी इस कोशिका को हमने अलग किया। अब देखिए इसके बाद जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है कि ये पार्ट हुआ कि इसमें जैसे ये पार्ट, अब इस पार्ट के अंदर हमने ये कहा इस जगह पर जो कोशिका है वो हो गई 2n
और यहां पर हमने शो कर दिया है इसको 3n, ये पार्ट बना हुआ है। अब इससे जो डेवलपमेंट होगा, अब देखिए इसको, ये तीन प्रकार से होगा, यानी भ्रूण कोश है, इनके प्रकार की बात करें यानी इनका विकास और प्रकार दोनों साथ साथ होते हैं, तो देखिए कि इनके प्रकार हैं, उसी प्रकार से इनके विकास की भी कोई विशेष नहीं रहता है, जैसे प्रकार करेंगे उसी के साथ में हो जाता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट होता है केंद्र किए भ्रूण कोश, सेकंड जो रहता है कोशिकीय भ्रूण कोश, और थर्ड नंबर पर होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। ये तीन प्रकार की, अब तीनों प्रकार के अंदर हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे वो है केंद्र की। देखिए ये पार्ट है, इस पार्ट की यदि हम बात करें तो इस जगह पर यदि हम देखेंगे इसको, इस तरीके से, और ये जो पार्ट रहेगा इस जगह पर, इस जगह पर हो जाता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इस तरीके से ये बन जाता है भ्रूण। इसके बाद ये जो पार्ट है, तो अब इस कोशिका से ये स्ट्रक्चर बनती है कंप्लीटली। अब कैसे बनती है इसको देखिए, कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका का जो ये केंद्रक है 3n, ये केंद्रक बार बार विभाजित होता है और यहां पर अनेक केंद्रक बना देता है इस तरीके से। देखिए कोशिका ही नहीं है ये, केवल 3n, यानी हम देखें 3n केंद्रक, इस तरीके से। यानी हम बात करें कि ये जो केंद्रक है ये लगातार समसूत्री विभाजन करता है जिससे अनेक केंद्रक बनते हैं, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। यानी यहां पर देखिए ये एक 3n केंद्र, ये इसके बाहर कोशिका झिल्ली, तो ये आगे जाकर के इसी तरीके से 3n इस तरीके से बन जाता है। फिर ये दोनों केंद्रक विभाजित हो जाते हैं और इसके बाद 3n ये चार केंद्रक बन जाएंगे। चार केंद्रकों से यदि हम बात करें तो 8 बन जाएंगे, इस तरीके से ये हो। लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ, तो इस एक कोशिका में अनेक 3n केंद्रक हो गए जो मुक्त रूप से हैं, बिल्कुल फ्री है, इसीलिए इसको कहा जाता है केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। तो यहां पर ये सभी केंद्रक हैं, तो ये जो है इसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाता है, इनके बीच में, यानी इनके बीच में यदि हम बात करते हैं तो एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, तो ये जो पार्ट है इसी के साथ में हो जाता है ये। इस तरीके से, और यहां पर ये पार्ट हो जाएगा ये पार्ट। इसके बाद में
इसके बीच में बन जाती है एक इस तरीके से बड़ी रिक्तिका। रिक्तिका और केंद्रक आ जाते हैं इधर, यानी इस तरीके से। ये हो, तो ये सभी केंद्रक हो गए हैं, 3N। तो इस प्रकार का यदि रणकोश बनता है तो उसे हम कहेंगे केंद्रकीय। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारियल। इन नारियल का जो पानी है, यदि इसकी बात करें, नारियल का भ्रूणकोश की बात करें, और वो होता है नारियल का जो पानी रहता है। यदि नारियल जो रहता है, यदि उसके पानी की बात करें, तो उसके अंदर ये रहता है कि जो उसका कोशिका द्रव है उसमें अनेक केंद्रक मुक्त रूप से फ्री रहते हैं, तो ये स्थिति रहती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ केंद्रकीय भ्रूणकोश। एक बार इसको देखें कि इस प्रकार के भ्रूणकोश में 3N केंद्रक लगातार विभाजन करता है, 1 से 2 केंद्रक, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से अनेक केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से बनने वाले भ्रूणकोश में अनेक केंद्रक मुक्त रूप से रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल नारियल का पानी, बाद में इनके बाद भी भित्तियां बन जाती हैं, यानी लास्ट स्टेज के अंदर ऐसे भित्तियां बनने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में ये कोशिकीय अवस्था में ही आ जाता है, लेकिन मेन इसका करेक्टर यही रहता है कि बीच में रिक्तिका और मुक्त केंद्र। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए सेकंड की, जो कोशिकीय भ्रूणकोश है। यदि कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करें तो इसमें ये स्थिति होती है, एक केंद्रक, 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, लेकिन दोनों केंद्रकों के बीच में ये कोशिका भित्ति बन जाए, तो इससे एक केंद्रक से दो केंद्रक नहीं, दो कोशिकाएं भी बन जाती हैं। फिर ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं, इन दो कोशिकाओं के केंद्रक विभाजित होंगे इस तरीके से, इस 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, इस 1 से भी 2 केंद्रक बनेंगे, फिर इनका भी कोशिका द्रव विभाजित हो जाता है इस तरीके, फिर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी एक बार केंद्रक विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव विभाजन, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन। इसी प्रकार से देखिए ये जो पार्ट है इसकी यदि हम बात करें तो इस तरीके से, ये एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हुए चले जाएंगे इस तरीके से, फिर इसके बाद वही है कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है इस तरीके से, फिर 8 कोशिकाएं बन जाती है। तो यहां पर जैसे मुक्त रूप से केंद्रक विभाजित हो रहे थे, कोशिका भित्ति नहीं बन रही थी, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जितनी बार केंद्रक विभाजन होगा उतनी ही बार कोशिका द्रव विभाजन भी होगा, और इसके कारण हम ये कहें कि यहां पर हर बार कोशिकाएं बनती है, न कि मुक्त केंद्रक होते हैं। तो यहां पर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इस तरीके से स्थितियां बनती। यदि इसके डायग्राम की हम बात करें, इस तरीके से यहां पर उसी प्रकार से जो है देखिए, इनके अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर और भी बन जाती है। इस पार्ट के अंदर यदि हम बात करेंगे तो इस पर चूसक बन जाते हैं, ये संरचना भी बनती है। इसके बाद देखिए इसके अंदर हमने ये कहा कि यहां पर इस तरीके के पार्ट होते हैं, जैसे ये 3N 3N, इसी तरीके से जैसे ये हो गया 3N, यानी ये कोशिकाएं बन रही हैं इसके अंदर, ये बन गई,
यदि इनका फिर विभाजन हो जाए तो इस तरीके से 3n, इस तरीके इस एक कोशिका से डिवाइड हुआ दो, इसके डिवाइडेशन से फिर दो, इस तरीके इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती हुई आ जाती है। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम केंद्रकीय भ्रूण कोष, कोशिके कोशिके भ्रूण कोष, और ये हो गया केंद्रकीय। अब इसके बाद पार्ट आ जाता है थर्ड नंबर पर, हेलोबियल। यदि हम हेलोबियल भ्रूण कोष की बात करें तो इसमें देखिए दो पार्ट कि यहां पर जैसे ये कोशिका है इसका विभाजन होता है इस तरीके से, ये कोशिका यहां पर रहेगी 2n, लेकिन ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर विभाजन होता है, विभाजन होने पर यहां पर बन जाती है दो कोशिकाएं 3n और 3n। देखिए ये जो पार्ट है हमने ये कहा ये है बीजांड द्वार, ये पार्ट हुआ बीजांड द्वार का, इसके अंदर ये पार्ट है निभाग का। अब देखिए इसमें कि इधर की साइड निभाग है तो इधर की साइड बीजांड द्वार। अब यहां पर हेलोबियल यानी ये जो थर्ड नंबर का है यदि इसकी बात करें तो हेलोबियल भ्रूण कोष के अंदर इन दोनों का मिक्स रूप होगा, यानी हम कहें कोशिकीय और केंद्रकीय, दोनों केंद्रकीय भी होगा और कोशिकीय भी होगा। आधा भ्रूण कोष जो है वो केंद्रकीय है तो आधा रहेगा कोशिकीय। अब देखिए कैसे बनते हैं, किस साइड में कौन सा बनता है, बीजांड द्वार की ओर एक कोशिका बनी, यानी फर्स्ट में जो विभाजन होगा उसमें एक से दो केंद्रक बनेंगे, यानी एक 3n ये कोशिका है, इससे इस तरीके से 3n 3n दो केंद्रक, और इनसे बन जाती है दो कोशिकाएं 3n 3n हो गई। इन में से ये जो बीजांड द्वार की ओर है उससे तो बनता है केंद्रकीय, और जो निभाग की ओर है उससे बनता है जो केंद्रकीय, और बीजांड द्वार की ओर है उससे बनता है कोशिकीय। देखिए इस पार्ट से जो बीजांड द्वार की ओर ये कोशिका है इससे तो बनेगा कोशिकीय, कोशिकीय पार्ट तो इससे बनेगा, और इस पार्ट से बनेगा केंद्रकीय। इन निभाग की ओर केंद्रकों में मुक्त रूप से विभाजन होगा, केंद्रकीय भ्रूण कोष का निर्माण, बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनी है उसके अंदर कोशिकीय भ्रूण कोष का निर्माण होगा। तो यहां पर ये दोनों प्रकार से होंगे। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इस तरीके से अब देखिए इसमें इस साइड हमने ये कहा कि केंद्रकीय होगा इस प्रकार 3n, इस तरीके। इसके बाद यदि हम बात करें इस साइड के अंदर मुक्त रूप से 3n बनेंगे, यानी मुक्त केंद्र,
तो ये हुआ केंद्रकीय। फिर किस साइड में है? निवाक की साइड में, निवाक की ओर। यदि इधर की हम बात करें तो इस साइड में है कोशिकाएं। किस साइड में है? बीजांड द्वार की ओर। तो ये हो जाएगा यहां पर केंद्र की भ्रूण पोष, और ये हुआ केंद्र की जो कोशिकी, कोशिके ये केंद्र की भ्रूण पोष। तो इस प्रकार से ये बनता है ये तीसरे नंबर का, जिसके अंदर हम ये कहें कि ये तो हुआ मुक्त केंद्र की भ्रूण पोष और ये पार्ट हुआ मुक्त कोशिका जो कोशिकीय भ्रूणपोष, और दोनों को एक साथ कर देते हैं तब इसे कहा जाता है हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष, तो ये पार्ट हुआ थर्ड नंबर का। तो इस प्रकार से हम ये कहें इनके टाइप और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हैं। देखिए इस कोशिका से, इस 3N कोशिका से इनका निर्माण हो रहा है, तो निर्माण होता है वो तीन प्रकार से होता है। इसी आधार पर हमने ये कहा कि तीन प्रकार के भ्रूण कौन पोष होते हैं, केंद्रकीय ये हुआ एग्जांपल नारियल का पानी। यदि बात करें कोशिकीय की तो कोशिकीय के अंदर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कुकुरविटेसी जो कुल है, देखिए अधिकतर जो पार्ट रहते हैं और बीजी हैं उनके अंदर 56% कुलों के अंदर यही होता है। इसके बाद देखिए हेलोबियल, हेलोबियल जो रहता है वो होता है एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री, और इसके अंदर भी हेलोबियल गण के अंदर, यानी हेलोबियल जो ऑर्डर है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से हुए। अब देखिए आगे क्या होगा कि ये जो पार्ट बन गए हैं तो ये पार्ट होते हैं भ्रूण पोष, यानी भ्रूण जो रहता है उसको पोषण देने वाले। तो यहाँ पर जो ये संरचना हम जो भ्रूण दिखा रहे हैं, ये पार्ट जो इस कोशिका से बना, इस कोशिका से जो ये संरचना बन रही है, इस संरचना को ये पोषण देंगे और पोषण देने के बाद इसका विकास होता है। तो यहाँ पर यदि इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो इसके भ्रूण पोष जो है, भ्रूण पोष के महत्व, देखिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही है कि जो विकसित होते हुए जो एम्ब्रियो है या फिर भ्रूण रहता है इसको पोषण कौन देता है? ये पार्ट देता है इसको पोषण, कि यहां से इनको मिलता है पोषण। तो हम ये कहेंगे कि जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य भ्रूण पोष करते हैं। यदि भ्रूण पोष विकसित नहीं होगा, ये नहीं बढ़ पाता है, तो इसको पोषण नहीं मिलेगा, इसका भी विकास नहीं होगा। इसके बाद यदि हम देखें तो यदि हमें आर्टिफिशियल रूप से 3N प्लांट प्राप्त करने हो तब इनकी कोशिकाओं से हम 3N प्लांट भी प्राप्त कर सकते हैं या त्रिगुणित पादप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है भ्रूण पोष है इसका हुआ